नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस हिस्से के बारे में जिसे धरती का स्वर्ग माना जाता है। कश्मीर को अच्छे से समझने के लिए हमें उसे पार्ट्स में समझना पड़ेगा ताकि उसका इतिहास अच्छे से समझ आए। हम कश्मीर को दो पार्ट्स में समझेंगे, पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए शुरुआत करते हैं माइथोलॉजी और स्टोरी से। अगर पौराणिक ग्रंथ नीलंत पुराण की माने तो कश्मीर घाटी मूल रूप से सतीसर नामक एक बहुत बड़ी झील थी, लेकिन ऋषि काश्यप ने अपनी योगिक पावर से उसे सुखाकर रहने योग्य बनाया। अब ये बस एक स्टोरी और मिथ है या सच्चाई, ये तो कन्फर्म कोई नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। अब आते हैं कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री पे। बेसिकली कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। चलिए पहले जान लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो 3000 BCE से 1500 BCE तक चला। कश्मीर के प्री हिस्टोरिक ईरा को मुख्य रूप से बुर्जोम, गुफा कराल और समतन जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की वजह से जाना जाता है। इन नियोलिथिक साइट्स में गड्ढे वाले घर, पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन और पालतू जानवरों के एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि कितना पहले से लोग यहाँ रहा करते थे। अब बुर्जोम जो है वो इतना खास इसलिए है क्योंकि जमीन खोदकर बनाए गए ये घर अग्रेरियन कम्युनिटी यानी कृषि समुदाय का संकेत देते हैं। इसके अलावा एक नियोलिथिक साइट और है गुफा कराल, जो गेहूं और जौ की खेती के एविडेंस के साथ साथ अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताता है। इसके बाद समथन जो कश्मीर के साउदर्न पार्ट में स्थित है वो नियोलिथिक पीरियड से मेगालिथिक पीरियड के बीच के ट्रांजिशन के बारे में बताता है। चलिए अब जानते हैं मेगालिथिक पीरियड को जो 1500 BCE से 500 CE तक चला। इस पीरियड के दौरान कश्मीर के लोगों ने मेगालिथ और बड़े बड़े पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जिसे अक्सर एज अ बरियल मार्कर यूज किया जाता था। ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को इंडिकेट करते थे। अब जानते हैं कश्मीर के अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जो 500 BCE से 1000 CE तक चला। कश्मीर का अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड कई जनजातियों और छोटे किंगडम्स के बारे में बताता है जिसमें नाग पंथ ने कश्मीर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नाग पंथ बेसिकली नाग देवता की पूजा करते थे। इन देवताओं को वाटर बॉडीज और एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी का रक्षक माना जाता था। नागा कल्चर का कश्मीर के माइथोलॉजी और रिचुअल्स में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है। इसके बाद समय बीतता गया और आई कश्मीर की सबसे पहली डायनेस्टी, गोनंद डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी एंड नीलंत पुराण, गोनंद डायनेस्टी कश्मीर की सबसे पहली डायनेस्टी थी जो 300 BCE से 100 CE तक चली। इस डायनेस्टी के फाउंडर गोनंद वन को अक्सर महाभारत पीरियड से जोड़ा जाता है। इनके बाद गोनंद टू इस डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। इन्होंने ही इस किंगडम को मजबूत किया और कश्मीर में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और ट्रेड को बढ़ाया। इन 3rd century BCE ड्यूरिंग अशोकाज रीजन कश्मीर मौर्य एम्पायर का पार्ट बन चुकी थी। अशोका को कश्मीर में बौद्ध धर्म फैलाने, स्तूपा और मोनेस्ट्री बनाने और बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इसके बाद आया इंडो ग्रीक्स और इंडो साइथियन रूल जो 2nd से 1st century BCE तक चला। मौर्य एम्पायर के एंड के बाद इंडो ग्रीक्स ने कुछ समय के लिए कश्मीर पर कंट्रोल कर लिया और उसी समय कश्मीर में हेलेनिस्टिक आर्ट और कल्चर आया। इंडो साइथियन जिन्हें अक्सकस के नाम से भी जाना जाता है वो इंडो ग्रीक्स के उत्तराधिकारी बने और उन्होंने थोड़े समय के लिए कश्मीर पर शासन किया जिससे कश्मीर के कल्चरल डाइवर्सिटी में चेंजेस आए। इसके बाद आता है कुषाण एम्पायर का पीरियड जो 1st century CE से 4th century CE तक चला। कुषाण एम्पायर में राजा कनिष्क के आने के बाद कश्मीर में बौद्ध धर्म में कई चेंजेस आए। अराउंड 100 CE के आसपास कश्मीर में 4th Buddhist Council आयोजित की गई जिसमें बुद्ध धर्म के ग्रंथ और सिद्धांतिक विकास के बारे में चर्चा हुई। कनिष्क के रूल के अंडर कई स्तूपा और मोनेस्ट्री यानी मठों का निर्माण किया गया जिसके कारण कई इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट स्कॉलर का जन्म हुआ, जैसे नागार्जुन जो बुद्ध धर्म के माध्यमिक स्कूल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, वासुबंधु जो योगाचार स्कूल के लिए जाने जाते थे। इसके बाद आता है गुप्ता पीरियड और सेविज्म जो 4th century CE से 6th century CE तक चला। जटिल नक्काशी और इंट्रिकेट कार्विंग की विशेषता वाली गुप्ता कला और वास्तुकला ने लोकल स्टाइल में कई चेंजेस लाए। उसके साथ साथ धार्मिक विचार और व्यवहार में महत्वपूर्ण विकास के साथ शैव धर्म ने कश्मीर में खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया और उसी टाइम पीरियड में कई ग्रंथ भी लिखे गए जैसे शिव सूत्र और स्पंद करिका और इन किताबों ने त्रिका स्कूल की नींव रखी। इसके बाद आता है गोल्डन एज ऑफ कश्मीर
करकोटा डायनेस्टी का टाइम पीरियड जो 625 CE से 855 CE तक चला। इस डायनेस्टी को स्थापित तो दुर्लभ वर्धन ने किया था, लेकिन इस डायनेस्टी को ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा की वजह से जाना जाता था, जो एंशेंट कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक थे और मार्तंड सन टेम्पल, जिसे कश्मीरी आर्किटेक्चर का मास्टर पीस माना जाता है, उसे ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा के शासन काल में ही बनवाया गया था। करकोटा डायनेस्टी का कश्मीरी आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी टाइम पीरियड में सभी चीज़ों में एडवांसमेंट देखी गई थी। इसी टाइम पीरियड में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसी टाइम पीरियड में कई बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनवाई गई। कई कश्मीरी स्कॉलर्स ने फिलोसॉफिकल वर्क्स किया। इसके बाद टाइम आया उत्पाला डायनेस्टी का, जो 855 CE से 1003 CE तक चला। उत्पाला डायनेस्टी ने कश्मीर के कल्चर और इकोनॉमी को करकोटा डायनेस्टी की तरफ बिल्ड करना जारी रखा। इस किंगडम के राजा अवंती वर्मन ने एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और इन्होंने ही इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई प्रणाली और कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इनके बाद इनके बेटे शंकर वर्मन ने कश्मीर की गद्दी पर कुछ समय के लिए राज किया। इनके बाद बीच में रानी दिद्दा ने भी रूल किया, लगभग 980 CE से 1003 CE तक। जब तक उन्होंने कश्मीर पर राज किया, तब तक कश्मीर की कल्चर और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती रही। इसके बाद आया लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड, जो 1003 CE से 1320 CE तक चला। लोहारा डायनेस्टी ने आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों के समय शासन किया। शुरुआत में तो उन्हें रूल करने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन 1063 CE से 1089 CE तक किंग कलासा ने सत्ता को मजबूत करने और धार्मिक संस्थानों को समर्थन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कश्मीरी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा के शासन काल में बनाया गया मार्तंड सन टेम्पल कश्मीरी आर्किटेक्चर और गुप्ता लोकल आर्ट का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, और अवंती वर्मन के शासन काल के दौरान बनाए गए अवंतीपुर मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी और मूर्ति के पीछे की साइंस बहुत ही अमेजिंग है। कश्मीर ने अपनी समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत दर्शाते हुए कई साहित्यों का भी निर्माण किया, जैसे राज तरंगिनी, जिसे 12th सेंचुरी में लिखा गया था, जो कश्मीर का इतिहास और कश्मीर के शासकों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है, और कई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी लिखे गए, जैसे अभिनव गुप्त द्वारा लिखे गए तंत्र लोक और अभिनव भारती। कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स पूरे भारत में फेमस हैं। यहाँ की हैंडीक्राफ्ट एंशिएंट पीरियड से चली आ रही है, चाहे वो लकड़ी का काम हो, मूर्ति हो, बर्तन हो या किसी धातु का काम, सभी बहुत बारीकी और सटीकता से की हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। कश्मीर सिर्फ अपने क्राफ्ट्स के लिए ही फेमस नहीं है, कश्मीर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बाकी स्टेट से बहुत हटके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की पश्मीना शॉल, जो अपने क्वालिटी और उस पर की गई शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है। आई होप आप लोगों को कश्मीर की एंशेंट हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कश्मीर की मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा।